नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ ये जो सीरीज है ये महत्वपूर्ण है। जो रेलवे की परीक्षाएं हैं आगामी, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एएलपी और टेक्नीशियन की हो, उसमें जो विज्ञान पूछी जाती है उसमें आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान का आज प्रथम भाग है, उसमें हम आज जो है वन लाइनर सवाल जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो जीव विज्ञान का पार्ट वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का भाग और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। और दोस्तों, बहुत ही डिटेल्ड में आपको अगर जो प्रोवाइड की जा रही है अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हो, वहां से जरूर देख ले और वो रेगुलर अपडेट्स में आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है वह एपोएंजाइम कहलाता है। क्या है? एपोएंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट है, मछली एक प्रथम श्रेणी की प्रोटीन है, क्यों? तो मछली जो एक प्रथम श्रेणी की प्रोटीन है वह इसलिए है क्योंकि इसमें आवश्यक एमिनो एसिड मिल जाते हैं। यही कारण है कि मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना गया है। नेक्स्ट है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है? वह कौन सा एंजाइम है जिसकी उपस्थिति के कारण जो एचआईवी है वह अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो वह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यह जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति के कारण जो एचआईवी है वो अपना आकार बदलता रहता है। नेक्स्ट है, दूध में सबसे बड़ा दूसरा तत्व कौन सा पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूध में जो दूसरा सबसे बड़ा तत्व है वह है शर्करा, ठीक है। क्या है? शर्करा। नेक्स्ट है, पित्त का स्रोत कौन सा है? पित्त का स्रोत कौन सा है? तो यह है यकृत। क्या है? यकृत। नेक्स्ट है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? इसका सही जवाब है यकृत। नेक्स्ट है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? तो मानव जठर में प्रोटीन जो प्रोटीन है उसके पाचन के लिए जो अनुकूलतम परिवेश है वह है बेसिन। और ये जितने भी सवाल है कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, लीवर किससे भरपूर होता है? जो मानव लीवर होता है वह किससे भरपूर होता है? तो लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरा होता है, वसा घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, सब्जियों का जल्दी खराब होना इसका मुख्य कारण क्या होता है? सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती हैं मुख्य रूप से हरी सब्जियां, तो इनका जल्दी खराब होने का कारण क्या होता है? तो इसमें जल की मात्रा का अधिकतम होना ही इनके जल्दी खराब होने का कारण होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो सूखती जाती हैं, जैसे जैसे जल की मात्रा जो है उसमें कम होती है तो वह खराब होने की स्थिति में आती है। आगे बात करें कि कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? वह अंग जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त को शुद्ध करता है वो है यकृत। नेक्स्ट है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? जो टेबल शर्करा है जो हम लोग यूज करते हैं वो किस प्रकार की शर्करा है? तो यह सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। नेक्स्ट है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? जो प्रोटीन खाई जाती है उसके दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? तो यह है सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो लवण है उसके मुख्य उपयोग आहार में क्या है साल्ट का? तो यह मुख्य रूप से भोजन के स्वाद में वृद्धि करना इसका जो मुख्य उपयोग है वह है। नेक्स्ट है, गहरे तले हुए भोजन कैंसर जनित क्यों माने जाते हैं? जो ज्यादा डीप फ्राइड होते हैं उनको कैंसर का जो इनिशियल स्टेज पैदा करने की उसको कारण मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो वसा की अत्यधिक प्रचुरता के कारण इसको हम जो गहरे तले हुए भोजन होते हैं उनको हम कैंसर जनित मानते हैं। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत अहम माना जाता है क्या है? तो वह पदार्थ जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए अहम माना जाता है वह है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन।
नेक्स्ट है, किसके संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है? किसके संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है? तो वह है प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणों का निर्माण कहां होता है? जो लाल रक्त कण है आरबीसी, उनका निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणों का जीवन काल जो है वह 4 महीने 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेत कणों का जीवन काल कितना होता है? जो WBC है उनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल है वह 114 दिनों तक होता है, 1 से 14 दिन के मध्य। सो दोस्तों, आज जीव विज्ञान का प्रथम भाग था। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम और अपडेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि अहम होंगे UP RO और रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए, साथ ही जो SSC की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये श्रृंखला। से दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और विज्ञान जो डिटेल्ड फिजिक्स की आपको श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपने मिस की है तो उसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ रेलवेज के लिए हम जो मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, अगर आपने वो भी मिस किए हैं तो आप उनको भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।